सीएम भूपेश बघेल ने आज 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और ये टीम जल्द ही लोगों के दस्तावेज दरवाजे पर दस्तक देगी और घर घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे भी किया जाएगा। आज से राज्य में प्रदेशव्यापी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत हो गई है और सीएम ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना किया। और जो 2011 के सर्वे सूची में जिनका नाम छूट गया था, ऐसे आवासहीन व्यक्तियों को क्रमबद्ध ढंग से उनको आवास दिया जाएगा। इस साल के बजट में 3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें आवासहीन व्यक्तियों को आवास के लिए सुविधा दी जाएगी। आपने 16 लाख आवास लौटा दिए, मैचिंग के लिए जो 40% राशि देना था वो दिया नहीं। 11 के सर्वे के अनुसार जो आपको 7,56,000 मकान बनाने थे, उस मकान के लिए आपने पैसा नहीं दिया। अतिरिक्त रूप से जो स्वीकृति बाद में प्रधानमंत्री जी ने दिया, 11 का सर्वे मनमोहन सिंह जी द्वारा कराया गया था, उस सर्वे की सूची में भी भरोसा नहीं। इस भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों के साथ में छल किया है, उनके साथ धोखा किया है और उनको सबजवाब दिखाया है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवान आने वाले इस चुनाव में इस सरकार को अवश्य सबक।